अब हम वापस सिटी पैलेस के अंदर जा रहे हैं। चमगादड़ों का टाइम हो गया, लेकिन अब बहुत तेज बदबू आ रही है। ओह माय गॉड, द स्मेल इज अनबेयर। आई कैन फील सी द ड्रॉप। हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है बैट की पॉटी के द्वारा। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। तो आज हमने सोचा हम लंच स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत भूख लग जाती है घूमते घूमते। तो हम पहले लंच कर रहे हैं, 3 बजे हैं, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। पर एक चीज मैंने नोटिस करी, हमने सोचा था जब हम वहां बैठे थे वो बेस्ट सीट थी रेस्टोरेंट, लेकिन आज जब इस एरिया में बैठ रहे हैं ये बेस्ट सीट लग रही है। या तो पूरा 360 डिग्री व्यू है आसपास देखो। मैं यूली को बता रहा था कि ये बंदर नहीं है, ये एक लंगूर है। एक्चुअल मंकीज आर स्केयर्ड ऑफ देम। क्या चीज? व्हाट्स अप ब्रो? एक इन पिजन्स के साथ स्लोमो शॉट ले रहे हैं। क्योंकि बहुत ही सुंदर घाट है, देखिए क्या आर्किटेक्चर है आसपास। इसका नाम है गंगोर घाट। So now we are on this famous bridge in the old city. पानी के नीचे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे पेड़ उगने लग रहे हैं। काफी डरावना लग रहा है ऊपर से देखकर। इन ब्रिजेस को देखकर पता चलता है कि इस सिटी को द वेनिस ऑफ द ईस्ट क्यों बुलाते हैं। बिल्कुल वेनिस की याद आती है यहाँ खड़े होकर। वेनिस में भी एक ऐसा ही ब्रिज है। कुछ शूटिंग हमने DW के लिए करी थी। ये जो लोकल मार्केट है उदयपुर का, तो लोकल मार्केट आप देख सकते हैं क्या अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। लेकिन अब हम जा रहे हैं रोपवे पर फाइनली उस मंदिर के ऊपर चढ़ने। हेलो, कैसे हो? ही स्टैंडिंग ओवर देयर समवेयर। ऑटो रिक्शा वॉज देयर समवेयर आई थिंक। इट्स वेरी बिजी, डोंट गो थ्रू द मेन पाथ। फर्स्ट 3D प्लस AR ऑगमेंटेड रियलिटी गैलरी। तो ये इंडिया की सबसे पहली 3D गैलरी है। आप इन फोटोज के सामने खड़े होगे तो ऐसा लगेगा कि ये पॉप आउट कर रही है। Don't touch him while he's peeing. फोड़ दूंगा। Bro. I'm sure that's against the bro code. Do it. Should I? Yeah, do it. No, do it. Come on. Why are you not doing it? Okay. Guys, stop with the photos, please, guys. That's enough. हमारे अलावा कोई आया ही नहीं है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। इट इज हाई अबव द ग्राउंड, हाउ डज इट गो अप अदरवाइज? ओहो वाह। तो हमने अपना अकेला कैबिन बुक कराया है यहाँ पे, नहीं तो 6 लोगों के साथ बैठना होता है नॉर्मल। हमने सोचा फिल्मिंग आसान होगी तो सिर्फ एक प्राइवेट केबिन बुक करा लिया हमने। आई ऑल्सो थिंक हार्डली एनीवन यूजेस देम। वंस अगेन योर फियर ऑफ हाइट रिटर्न्स। रोपवे बहुत ही छोटा सा रोपवे है, थोड़ा डर लगता है बैठकर हमेशा। काफी ओपन है एक्चुअली में, लेकिन व्यूज बहुत अच्छे दिखते हैं। उदयपुर के बारे में बहुत अच्छी है कि यहाँ पर कभी भी ज्यादा भीड़ नहीं लगती, बहुत ही खाली खाली सी रहती हैं जगहें, तो बड़ा मजा आता है इन्हें घूमने में। बहुत कम शोर शराबा है एक्सेप्ट ओल्ड सिटी में अगर आप कंपेयर करोगे तो। लेकिन ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है।
वाह, इस व्यू का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ से तो सभी कुछ दिख जाता है, कितने किलोमीटर दूर तक दिख रहा होगा। बेस्ट पार्ट इज यू सी बोथ साइड्स एक्चुअली, दिस वन एंड दैट वन। ये बड़ी ही खतरनाक सीढ़ियां हैं, बिल्कुल देखो सीधा नीचे जा रही हैं, नीचे नीचे जाते जाते पता भी नहीं चलेगा आप एकदम शहर के बीच में पहुंच जाओगे। क्या एंगल लग रहा है, मतलब यहाँ खड़े होकर अगर कोई गिरेगा तो फिर सीधा उधर ही जाकर गिरेगा। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, तो बहुत सी लेक्स दिख रही हैं यहाँ से। एक लेक वहाँ दिख रही है, एक यहाँ, ये तो मेन ही है पिछोला लेक, और ये वाली पिछोला का पार्ट ही है। एक और लेक दिख रही है, चारों डायरेक्शन में दिख रहा है यहाँ से, और सनसेट का टाइम बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। तो आए हम रोप वे से थे, लेकिन जाएंगे हम पैदल नीचे क्योंकि थोड़ा चलने का मन कर रहा है। और जो रास्ते में व्यू दिख रहा है अलग अलग एंगल से, ये इसी रीज़न से हम जा रहे हैं। और सनसेट देखो, बस 5 मिनट में सनसेट हो जाएगा, पहाड़ी के पीछे चले जाएगा। सूरज बिल्कुल उस गैप में गिर रहा है पहाड़ी के। एनी मोमेंट इट गोज इन, एक्चुअली वी आर गोइंग डाउन आल्सो, सो इट गोज डाउन फास्टर इवन। वी मेट अ वेरी यंग फ्रेंड टुडे, यस शी वाज, हाउ आर यू, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 12। क्या नाम है आपका? स्वप्निल। स्वप्निल, कौन सा व्लॉग आपको सबसे अच्छा लगा? आपका जर्मनी व्लॉग। जर्मनी वाला कौन सा वाला? जर्मनी जिसमें आप जर्मनी के बारे में बता रहे होते हैं। कल वाला भी देखा था आपने? हाँ। क्या एज के आप? मेरी 11। कई बार मैं काफी हैरान हो जाता हूँ देखकर कि बच्चे भी व्लॉग्स देखते हैं। 11, 12 साल के बच्चे भी व्लॉग्स देखते हैं। ये स्कूटर से ही जा रहे थे और हम बस उतर के आ रहे थे सीढ़ियों से, और इन्होंने स्कूटर रोक के पहचान लिया कि ध्रुव राठी। वो हेलीकॉप्टर कुछ लेकर जा रहा है, मुझे लगता है कहीं फॉरेस्ट फायर्स के लिए हो। फिर से हमने आग जलती हुई देखी थी। इस लेक की हालत इतनी अच्छी लगती नहीं है, इसलिए नहीं कि थोड़ा कूड़ा पड़ा है, कूड़ा तो है ही, लेकिन ये जो पेड़ है इसके अंदर ऑलमोस्ट सरफेस लेवल तक पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है इसका पानी भी काफी लो हो रखा है। वैसे जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका नाम है सेल्फी पॉइंट। सेल्फी नहीं, सेल्फी पॉइंट, तो यहाँ पर अच्छा पॉइंट है सेल्फी लेने के लिए। अब हम वापस सिटी पैलेस के अंदर जा रहे हैं। चमगादड़ों का टाइम हो गया, लेकिन अब बहुत तेज बदबू आ रही है। ओह माय गॉड, द स्मेल इज अनबेयरेबल। आई कैन फील सी द ड्रॉप। ओह, दैट्स द फ्लावर्स, दैट्स नॉट बैड शिट, दैट्स द फ्लावर्स फ्रॉम द ट्री। फॉल्स अलार्म। इतने सारे चमगादड़ है, हमें डर है कोई ना कोई तो हमारे ऊपर। Okay, this literally just came, this thing. Is this fresh? Yes, I literally just saw a drop. It looks fresh. Oh, I heard some drop also. Let's go right side. यहाँ बैठ भी नहीं सकते। मुझे लगा था खतरा इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन उतना कम भी नहीं है खतरा कि कुछ ना गिरे हमारे ऊपर। हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है बैठ की पॉटी के द्वारा। तो आज शाम को हम ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली खाएंगे इनके रेस्टोरेंट में, जो बहुत ही क्या सजा रखा है। तो रॉयल पैलेस थाली लेने का सोचा है। इसमें स्टार्टर है, सूप है, और ये सारी मेन कोर्स की चीजें हैं। क्या हलवा है? हलवा भी है डेजर्ट में, बहुत ही बड़ी। आज तो पूरा पेट भर जाएगा। और ये है मेन कोर्स, यहाँ पर काफी सारी चीजें ट्रेडिशनल है, जैसे दाल बाटी चूरमा, सांगरी की सब्जी जो होती है गट्टी करी करके कुछ बताया था, और ये कॉर्न के सिरप में पनीर, और ये पराठा भी अलग है, ये लच्छा पराठा है, और ये वागरी पराठा कुछ बताया इन्होंने, काफी सिमिलर है लच्छे पराठे से। How will we eat all this? I don't know. मेरा फेवरेट तो चूरमा है। इसी रीजन से मुझे राजस्थानी थाली बहुत पसंद है।
ये होटल वैसे तो बहुत सुंदर है लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत डरावनी लगती है लिटरली। सपनों में कई बार नाइटमेयर्स आते हैं ना, ये देखो जैसे हॉलवे के एंड में चलकर दो पुतले जो आपके पीछे आ जाए, जितनी दूर से हम इन्हें देखते हैं उतने ही ज्यादा डरावने लगते हैं, ये हिलना शुरू कर देंगे और भूत की तरह यहाँ पर चल के आएंगे। इतना ही लग नहीं रहा कैमरे पर जितना असली में डरावना लग रहा है उतना उस एक और चीज, हमने डिजर्ट नहीं खाया खाने में क्योंकि पेट बहुत भर चुका था। हम चमगादड़ से बचने की सोच रहे थे लेकिन यहाँ पर पिजन ने मेरे ऊपर कर दी। Is it the pigeon one? It went on my hair also. Ew. Yeah. Really? No, I don't see it. No. Maybe actually. Oh no, it is a bit. It is a bit. Come on. Well, it means good luck. That's it? Yeah.